आज मसाला किचन में बने हैं बहुत ही टेस्टी से छोले और बिना उबाले। हमने इसको डायरेक्ट कुकर में बनाया है और बहुत ही टेस्टी मसाले घर के मसालों से इसको तैयार किया है। आप देखिए किस तरह मैंने इसको बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो उसके लिए थैंक्स। फ्रेंड्स, होममेड मसाला कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं छोला मसाला। यहाँ पर मैंने जो पीले वाले बटाने होते हैं ना वो ले लिए 1 कप, जिसको हमने रात को भिगो दिया था। साथ में मैंने यहाँ दो प्याज का पेस्ट बना लिया है और मीडियम साइज़ के 2 टमाटरों का पेस्ट ले लिया है बना के। इसको हम बहुत चटपट बनाने वाले हैं और एकदम स्पाइसी और टेस्टी जो हमारा चना मसाला है बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म रख दिया। ऑयल के अंदर हम 4 से 5 काली मिर्च डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची। साथ में हम डाल देंगे यहाँ पर जिंजर गार्लिक के साथ में हम आप देख सकते हैं हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसी के अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। ये दोनों को हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि हमारा जो प्याज का पानी है ड्राई ना हो जाए। पर आप देख सकते हैं जो प्याज का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा अदरक लहसुन और प्याज है वो अच्छे से पक चुका है। मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूँगी। साथ में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर डाल देंगे सौंफ, साथ में जाएगा जीरा पाउडर, इसके साथ में जाएगी काली मिर्च का पाउडर, कस्तूरी मेथी, इसके साथ में ऐड कर देंगे हम यहाँ पर लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, साथ में जाएगा धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स करके हम अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट ना हो जाए, ऊपर ना आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मसाले का जो ऑयल है वो पूरा ऊपर आ चुका है हमारा और मसाला भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर छोले ऐड कर दूँगी। ये हमारे कच्चे छोले हैं, उबले हुए नहीं हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है, आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर मैंने पानी कितना लिया है आप देख सकते हो। हमारे छोले अच्छे से डूब चुके हैं और यहाँ पर मैंने इसको रात में भिगोया था, इसलिए यहाँ पर मैं इसको 4 सीटी लगाऊंगी। अब हम कुकर बंद कर देंगे, इसमें 4 सीटी ले लेंगे। यहाँ पर हम इसको गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें आधा आलू उबला हुआ मैश कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें बेसन भी डाल सकते हो। और अब हम इसको सीटी लगा दें। यहाँ पर हमारी 5 से 6 सीटी लग चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे छोले हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं और अच्छी ग्रेवी वाले बने हैं। थोड़े से ही मसालों में हमने एकदम ग्रेवी वाला मटर बना के तैयार कर लिया है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं या पूरी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।